Priya, tu... कुछ मत बोलिए। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। जब आप ठीक हो जाएंगे ना, हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आप कुछ मत बोलिए। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? 5 सालों के बाद बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? 5 सालों तक कहाँ थी तुम? Where the hell were you? प्लीज अभी कुछ मत बोलिए ना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, सब बताऊंगी आपको, but for now just relax. आराम कैसे करूं यार? What is wrong with you? तुम बात में कब? I want to know everything. Doctor, I'm really sorry. Ram, just relax. I'm sorry. I'm sorry. हरी, गोपाल, व्हाट्स हिज नेम, रमेश, बंसी काका, कहाँ हो सब लोग? गोपाल, यस मैम, कहाँ गए सब लोग? मॉम, ऋषभ, घर पे कोई क्यों नहीं है? मैम, घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल गए हैं राम सर को देखने के लिए. व्हाट? यस मैम. ओके, आप गाड़ी से मेरा पर्स लेकर आइए. ओके मैम. खत्म हो चुका होगा. ओए आयशा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ यार, कुछ नहीं बिगड़ा है. और तू डैमेज कंट्रोल करना चाहती थी ना, वो यहाँ कार पे बैठ के कुछ नहीं होना है. वहाँ अस्पताल चल राम के बराबर में, वो तुझे वहाँ रहना चाहिए, समझ के नहीं रही? चल हॉस्पिटल, वो सारी मीडिया वहीं है, चल यार. कैसे समझाऊं इसको? मिसेस कपूर, जो मैंने अंदर कहा उसे याद रखिएगा. जी डॉक्टर, थैंक यू. ऑल ओके? डॉक्टर ने कहा है सर कि मिस्टर कपूर अब रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है. उनके सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए कि उन्हें थोड़ा भी स्ट्रेस हो. आप प्लीज ये बात उनकी फैमिली को कन्वे कर देंगे? ये बात आप खुद उन सबको भी कह सकती हैं? कह तो सकती हूँ सर, लेकिन वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए. मैं कब तक भागोगी प्रिया? सर मैंने आपसे कहा था कि पूजा नाम आप पे ज्यादा जचता है, लेकिन इस वक्त मुझे इस सिचुएशन में सिर्फ मिसेस प्रिया राम कपूर दिखाई दे रही है. जाके इन सबको बता दो कि प्रिया जिंदा है. They need to know. बताना तो चाहती हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं लगता अब भी सही वक्त है. मुझे नहीं पता सर मुझे क्या करना चाहिए. Your husband is lying inside. कितनी बार आप राम से मुंह मोड़ के भागेंगी? प्यार करती हो उससे, रोती हो उसके लिए, जी रही हो उसके लिए, बात कीजिए उससे. Why are you running away? Face the family, face everybody. मैं नहीं कर सकती सर, मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत. आपको क्या लगता है इतना आसान है ये सब, कि सबके सामने जाऊं और बोलूं कि मैंने ऐसा किया? 5 साल सर, 5 साल मैंने सबसे झूठ बोला है, सबसे ये बात छुपाई है कि मैं जिंदा हूं, राम से, उनकी फैमिली से, अपने खुद की फैमिली से. क्या बोलूंगी मैं उन्हें, क्यों किया मैंने ये सब कुछ? क्योंकि मैं जेल की सजा से भागना चाहती थी, बचना चाहती थी.
क्या बोलूंगी मैं राम को कि मैंने क्यों छुपाई उनसे ये बात कि पीहू उनकी बेटी थी, जबकि मेरे सामने इतने सारे मौके थे उन्हें बताने के। और आपको क्या लगता है सर, मैं उनके सामने सच भी बोलूंगी तो कोई मेरी बात का ऐसे यकीन कर लेगा? इट्स नॉट इजी, नहीं कर सकती मैं ये। यू विल हैव टू नो प्रिया, और ये डिसीजन एंटायरली तुम्हारा रहेगा। राम इस कंडीशन में हमेशा नहीं रहेगा। जब राम को होश आएगा तो ये सोच सकता है कि ये सब एक ख्वाब था, या वो ये मानेगा कि तुम सच में जिंदा हो, तुम दोनों एक दूसरे से मिले थे। तुम्हारी और राम की जिंदगी का अगला चैप्टर, अगला मोड़ तुम्हें डिसाइड करना है। 5 years, 5 साल तुम एक दूसरे से अलग रहे। योर हस्बैंड इज इनसाइड, तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बट डिसाइड तुम्हें करना है, मेक द राइट चॉइस। तुम्हारी और राम की जिंदगी का अगला चैप्टर, अगला मोड तुम्हें डिसाइड करना है। 5 साल तुम एक दूसरे से अलग रहे। योर हस्बैंड इज इनसाइड, तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बट डिसाइड तुम्हें करना है, मेक द राइट चॉइस। किसी को अपना पापा नहीं कहते बेटा। पर मेरी मम्मी तो कहती है कि मेरे पापा है। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? आइए मैं आपको मिलाती हूँ। चलो अब मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, जाते जाते मैं मिस्टर राम कपूर को पेंसिलिन का इंजेक्शन देके जा रही हूँ। अब आप चार्ज ले लेना। एक मिनट। आप ये इंजेक्शन मिस्टर राम कपूर के लिए लेकर जा रही हैं? जी मैम। आपको पता भी है कि उन्हें पेंसिलिन से एलर्जी है? कम से कम पूछिए तो सही कि उन्हें क्या दे सकते हैं क्या नहीं। ठीक है मैम, मैं सर से जाके बात करती हूँ। मम्मा, मम्मा देखो ना, इन लोग मेरी बात नहीं सुन रहे कि गोलू अंकल मेरे पापा हैं। कौन लोग? चलो बेटा।
मैं जानती हूँ कि आप सबके जहन में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे। 5 साल मैं कहाँ थी, कैसे रही, आप सबसे क्यों छुपाया कि मैं जिंदा हूँ, आप सबसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन उन सारे जवाबों से पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप सबसे झूठ बोला, मैं जिंदा हूँ ये बात सबसे छुपाई, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि राम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अगर मैं यहीं रह के जेल में रहती तो वो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब लैंडस्लाइड के वक्त कोई नहीं बचा और मैं बच गई, तो मैं वापस आई थी पापा, मैं घर वापस आई थी, लेकिन वहाँ पे सबने मान लिया था कि मैं मर चुकी हूँ। कहते हैं ना पापा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कहीं मेरे वापस आने से मिस्टर कपूर अपने लिए जीना ना छोड़ दे, इसलिए मैं यहां से चली गई। आप लोगों को यही सोचने दिया कि प्रिया मर चुकी है। जब मैं दुबई पहुंची ना, तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। पता है मैं कितनी खुश थी, आप सबको बताना चाहती थी, राम को बताना चाहती थी। मैंने हॉस्पिटल से सबसे पहले मिस्टर कपूर को फोन भी किया था, लेकिन सॉरी टू बॉदर यू, माय नेम इज राम, राम कपूर। हाय। लेकिन शायद उस समय मेरी डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था कि आप में से किसी को भी पता चले कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और जब पीहू पैदा हुई ना, मैं जितनी खुश थी ना, उतनी ही उदास भी। एक प्यारी सी नन्ही सी जान मेरी गोदी में थी और मेरा कोई भी अपना मेरी उस खुशी को बांटने के लिए मेरे साथ नहीं था। कितना मिस किया मैंने आप लोगों को, लेकिन सिर्फ मिस्टर कपूर की खातिर मैंने ना कभी आप लोगों से बात करने की कोशिश की, ना कभी मिलने की। और फिर 5 साल बाद मिस्टर कपूर खुद दुबई आ गए। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली। मैंने सोचा मैं जाके उन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन नहीं बता पाई। 5 साल में सब कुछ बदल चुका था। मुझे पता चला कि मिस्टर कपूर ने आयशा से शादी कर ली। बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन इतना समझ में आया कि अगर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया तो उसके पीछे कोई कारण होगा। मैं तब भी सामने नहीं आई।
मिस्टर कपूर और पीहू एक दूसरे से कई बार मिले। पीहू मुझे बार बार बोलती थी, मामा गोलू अंकल बिल्कुल मेरे जैसे, उन्हें आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। मेरा इतना मन करता था कि मैं राम के पास जाऊं और उन्हें बोलूं कि ये पीहू आपकी बेटी है, लेकिन नहीं बोल पाए। शायद मेरी गलती है, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई। अब मैं आप सब लोगों के सामने खड़ी हूं, आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज कुछ भी ऐसा मत कहिएगा मिस्टर कपूर के सामने जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी, मैं उन्हें विश भी नहीं कर पाई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई 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 भी ऐसी बात मत कहिएगा जिससे उन्हें उन्हें थोड़ा भी बुरा लगे। जब वो ठीक हो जाएंगे हम लोग आमने सामने बैठकर सारे डिफरेंसेस दूर कर लेंगे, लेकिन I'm sorry, मैं दिल दुखा है। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं पापा दे दीजिए, पर इस तरह चुप मत रहिए प्लीज। पापा प्लीज, आप तो मुझसे नाराज मत होइए ना। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm really very very sorry. आपने मुझे जो गणपति जी दिए थे ना बेटे, मैंने उनको हमारे घर वाले गणपति जी के साथ में रख दिया है। वाओ, आपको गणपति के मोदक पसंद है? मेरी मम्मी बनाती है। नारियल डाल के? हाँ। पता है, उनको ना उनके पापा ने सिखाया मोदक बनाना। आपको बनाना आता है? नहीं। कोई बात नहीं बेटे, मैं आपको भी सिखा दूंगा। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं बेटा, मैं नाना हूं तेरा, नाना। तेरी मम्मी का
तेरी मम्मी का पापा हूँ बेटा मैं। पापा? मतलब मम्मी ने आपको फोन किया था? 5 साल के बाद मुझे मिली हो बेटा, मेरे साथ घर नहीं चलेगी बेटा। चलिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.